सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर G10, दैट इज जेनरिक वर्कशीट नंबर G10, एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 7th एंड 8th स्टूडेंट्स, एंड इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट सोशल साइंस, एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड मैप इन दिस वर्कशीट। सो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही फैंटास्टिक वे में मैप को समझने वाले हैं कि आखिर हम मैप का यूज़ कैसे करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। अमन वॉज वेरी हैप्पी टू विजिट द कॉलोनी विद हिज अंकल। अमन आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने अंकल के साथ उनकी पूरी कॉलोनी को विजिट किया था। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द कॉलोनी। वह इस कॉलोनी के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था। अंकल शोड हिम द मैप ऑफ द कॉलोनी। ही आस्क्ड, अंकल ने उसको मैप दिखाया कॉलोनी का, एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू अमन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप। फिर उन्होंने अमन से इसी मैप के ऊपर बेसिस कुछ क्वेश्चंस पूछे। प्लीज हेल्प अमन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप अमन की हेल्प कीजिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। सो देखते हैं कि वो कौन सा मैप था। देन थर्ड क्वेश्चन, यू आर स्टैंडिंग एट द मदर डेयरी, प्लीज कलर द स्मॉलेस्ट पाथ इन द ब्लू टू स्कूल फ्रॉम दिस प्लेस इन द गिवन मैप। आपको क्या करना है कि आप मदर डेयरी के पास इस समय खड़े हुए हैं, तो आपको शॉर्टेस्ट रूट बताना है, स्मॉलेस्ट पाथ बताना है स्कूल जाने के लिए, और उसको ब्लू कलर से हमें करना है। तो देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो पाथ है वो तो यही है कि यहाँ से लेन नंबर 2 में हम जाएं, गो स्ट्रेट एंड टेक राइट टू लेन नंबर 5 एंड वी विल रीच टू स्कूल। देन क्वेश्चन नंबर 4, बाय यूजिंग हाउ मैनी वेज यू कैन रीच बैंक फ्रॉम पुलिस स्टेशन, मैंशन एनी 2 वेज। आप पुलिस स्टेशन से बैंक कितनी तरह से जा सकते हैं, कोई दो रास्ते बताने। तो देखिए, फ्रॉम पुलिस स्टेशन टेक लेफ्ट टू लेन नंबर 3 एंड देन टेक राइट टू लेन नंबर 6 एंड हेयर इज द बैंक। पहले आप लेफ्ट लेंगे, लेन नंबर 3 में आएंगे, उसके बाद लेन नंबर 6 में आएंगे और बैंक पहुँच जाएंगे। एक रास्ता तो ये है। एंड द सेकेंड वन इज, फ्रॉम पुलिस स्टेशन टेक राइट एंड टर्न लेन नंबर 2, गो स्ट्रेट एंड देन टेक लेन नंबर 6। हम लेन नंबर 2 को लेकर, 2 नहीं है लेन, देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, और अगर हम लेन नंबर 2 लेंगे एंड देन टेक लेफ्ट टू द लेन नंबर 6 एंड हेयर इज द बैंक। तो दोनों रास्ते हैं, हम दोनों रास्तों से पहुँच सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू योर फ्रेंड सो दैट ही रीचेज योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। आपको क्या करना है, ये आपको खुद से करना है। एक मैप बनाना है, जैसे ऊपर कॉलोनी का मैप आपने देखा, तो आप अपने घर का मैप भी बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। जैसे कि आप पहले अपना एक हाउस के लिए कुछ छोटा सा साइन बना दें, दिस इज़ योर हाउस, एंड देन आप बना दें कि उसके लेफ्ट साइड में एक टेम्पल है, राइट साइड में स्कूल है, एंड देन फिर अगर हम वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पर एक शॉप है। इस तरीके से आप कुछ मैप बना के दिखा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द पास्ट वेन एवर यू विजिटेड योर नाना और दादा और एनी रिलेटिव्स प्लेस। आप पास्ट में कभी भी अपने नाना या दादा या किसी रिलेटिव के घर गए होंगे, तो प्लीज़ एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करें, तो जो आपके एक्सपीरियंस होंगे रिलेटेड टू द मैप ही होने चाहिए, क्योंकि ये मैप के बारे में ही वर्कशीट है। सो आई यूज़ टू गो माई नानी हाउस इन माई हॉलीडेज़, यानी कि मैं अपने नानी के हाउस में हॉलीडेज़ में जाता रहता हूँ। फॉर रीचिंग देयर वी हैव टू टेक ऑटो रिक्शा एंड द होम वॉज बिहाइंड सफदरजंग हॉस्पिटल। तो इस तरह से आपको बताना है कि वहाँ जाने के लिए पहले हमें ऑटो रिक्शा लेनी पड़ती है, और जो उनका घर है वो सफदरजंग हॉस्पिटल के जस्ट बिहाइंड है। तो इस तरीके से हमने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करना है।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, सो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, वियर योर मास्क, एंड जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।